हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करें। और ये जो मेथड है जो आज इस वीडियो में बताऊंगा, ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस पुराने बनाया है, लेकिन आज का जो वीडियो है थोड़ा सा स्पेशल है। कुछ यूनिक यूनिक पॉइंट्स मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, और ऐसे नहीं है जो नॉर्मली हमें ड्रॉप शिपिंग में पता है कि कोई प्रोडक्ट हमने ले लिया अली एक्सप्रेस से उठा के और उसको सेल करने लगे यूएसए में। तो ये मेथड ओल्ड हो चुका है, इसमें अगर आपको सक्सेस पाना है ना तो आपको लकी होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं वो लक को कैसे हम लोग मैक्सिमाइज कर पाए, कैसे हम लोगों का जो पहला प्रोडक्ट है वही विनर निकल जाए, मतलब हमें प्रॉफिट देना स्टार्ट करे, तो उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा पूरा। तो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में हमें इतना बजट होना चाहिए कि 10 प्रोडक्ट को हम लोग टेस्ट कर पाए, क्योंकि 10 में से एक प्रोडक्ट तो विनर निकल ही जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये 10 प्रोडक्ट रैंडम से उठा लेंगे अली एक्सप्रेस वगैरह से, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर हम लोग सही से प्रोडक्ट रिसर्च करके, जो आपको मैं अभी दिखाऊंगा वैसे करके, अगर आप 4-5 प्रोडक्ट भी उठा लोगे ना, उसमें से एक प्रोडक्ट तो विनर निकल ही जाएगा। मुझे आज तक ऐसे सिस्टम के साथ जब मैं निकालता हूं ना प्रोडक्ट, आज तक ऐसा प्रोडक्ट कभी नहीं हुआ कि सेल्स ना देखे गया हो। ड्रॉप शिपिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो प्रोडक्ट है ना हमारा, वो हमेशा वैलिडेटेड होना चाहिए। हम खुद उसमें एडवर्टाइजमेंट जो स्पेंड है ना वो करने से पहले, तो वो वैलिडेट का मतलब क्या है, हमें ढूंढना है ऐसे प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहे हो, ऐसे टाइप के प्रोडक्ट जिसके एड्स अभी करंटली रनिंग हो फेसबुक में, टिकटॉक में, गूगल्स में, वैसे टाइप के प्रोडक्ट हमें चाहिए और जिसमें कंटिन्यूअस अभी सेल्स आ रहे हो। तो उससे क्या होगा, हमारा जो चांसेस है ना उस प्रोडक्ट में सेल लाने का वो बढ़ जाएगा। और साथ में क्या होगा, हम लोग ये भी देख पाएंगे कि उस प्रोडक्ट का किस क्रिएटिव के साथ, किस वेबसाइट के साथ प्रोडक्ट सेल हो रहा है। कंप्यूटर से जब उठाएंगे ना हम लोग, तो उसके नियर अबाउट अगर हमारा खुद का स्टोर बनाएंगे हम लोग, तो इजी सेल होगा वो प्रोडक्ट, बिल्कुल होगा वो प्रोडक्ट अगर ऐसे करेंगे तो। और एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपका प्रोडक्ट विनर है ना, तो आपका वेबसाइट हो सकता है कि बहुत बेकार सा हो, तब भी वो प्रोडक्ट चलेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट वो जो कैटेगरी है जिस ऑडियंस के ऊपर हम लोग टेस्ट करेंगे ना, उसके उनके लिए बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है और उनको वो चाहिए वो प्रोडक्ट, जिस कारण से वो बिल्कुल चलेगा। क्योंकि मेरे साथ भी सेम चीज हुआ है, कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मैंने सेल किया ना, इतना बढ़िया प्रोडक्ट था और इतना अच्छे से टारगेटिंग किया था मैंने, मतलब जो ऑडियंस पिक किया था उनके लिए बहुत सही प्रोडक्ट था, जिस कारण से बेकार बेकार से वेबसाइट थे मेरे, तब भी चल रहे थे प्रोडक्ट। उसके बाद जब उसको हम लोग ब्रांडेड स्टोर में कन्वर्ट कर देंगे फ्यूचर में, तब तो प्रोडक्ट मतलब बिल्कुल विनर साबित होगा। तो वही चीज मैं दिखाने वाला हूँ, वो जो विनर है ना वैसा टाइप के प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको करना क्या है सारा चीज़ें, और कैसे हमें वैलिडेट करना है, कैसे हमें मार्केट्स ढूंढना है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो मैं आ चुका हूँ लैपटॉप के स्क्रीन में। तो जो टूल है हम लोग यूज़ करेंगे वो है माइनिया। तो माइनिया का पुराने वीडियोस भी है मेरे चैनल में, और आप में से बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं इस टूल को, तो आपको पता होगा जो लोग यूज़ कर रहे हैं कि कैसा टूल है और इसमें कैसे आपको क्रेडिट के साथ सर्च करना होता है प्रोडक्ट्स वगैरह। ठीक है, मैं सिंपल चलता हूँ मेन टॉपिक में। तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस है बहुत सारे। तो सबसे पहला ऑप्शन जिसमें हम लोगों को जाना है वो है ये एड स्पाई वाला। तो इसमें देखिए फेसबुक एड, पिंटरेस्ट, टिकटॉक है, लेकिन हम लोग जाएंगे फेसबुक में। फेसबुक से ही रिसर्च करना इजी रहता है, टिकटॉक वगैरह से भी मैंने किया है, यहाँ पे कुछ लिस्ट मैंने बना के रखा है टिकटॉक का, लेकिन फेसबुक से ज्यादा अच्छा जो ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट है ना वो मिलता है। क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एडवांस सेक्शन में जाके हमें हमारा जो भी टारगेटिंग है, हम लोग जो सर्च करना है, हमें एड्स जो सर्च करना है ना वो डालना होता है। तो ये सबसे बेटर वर्क करता है फेसबुक के लिए, क्योंकि फेसबुक में जितने भी एडवर्टाइजमेंट है ना वो सारे लाइव रहते हैं, टिकटॉक हाइड करके रखता है सारा चीजें, सब पब्लिश नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, जो मैं नॉर्मली यूज करता हूँ, कंट्रीज में हमें जाना है और सीधा हमें करना है यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, और भी चीजें कर सकते हैं, लेकिन मैं यूनाइटेड स्टेट से करता हूँ जनरली। लैंग्वेज में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ईकॉम प्लेटफॉर्म हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं शॉपिफाई। और साथ में देखिए अभी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो है ये, जैसे कि मीडिया टाइप। मीडिया टाइप में हम लोग करेंगे वीडियो, क्योंकि ड्रॉपशिपर लोग वीडियो एड ही ज्यादा चलाते हैं। साथ में अभी जो ये डेट है ना, इस डेट को मैं क्या कर दूंगा अभी के लिए, जैसे करीब 30 डेज का मैंने डेट यहाँ पे लगा दिया, पास्ट 30 डेज का, तो इसके हिसाब से रिजल्ट हमारे पास शो होगा। उसके बाद जैसे मैं क्या करूंगा, जो लाइक्स है उसको, जैसे कि मिनिमम लाइक्स मैं 1000 कर देता हूँ नॉर्मली, और जो हमारा मैक्सिमम लाइक्स है ना वो मैं कर देता हूँ नियर अबाउट 1 लाख के करीब, क्योंकि उससे मिलियंस में अगर लाइक्स में चले जाएंगे ना हम लोग, तो जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट सेल करने की कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए इतना मैं रेंज में रखता हूँ, और बाकी यहाँ पे क्या करता हूँ, शॉर्ट में आने के बाद ये जो लाइक्स है उसमें करके, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में था तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, मीन्स जो टॉप हमारा एड आएगा ना वो मैक्सिमम लाइक के साथ आएगा और धीरे धीरे कम होता जाएगा लाइक्स। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी रहता है। उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगे उसको एड टू लिस्ट कर देता हूँ। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि कोई प्रोडक्ट मुझे मिलेगा या नहीं,
उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए, मैंने बहुत सारा स्क्रॉल डाउन किया है, मुझे कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिला नहीं अभी लिस्ट, जिस कारण से मैं आपको ये बताऊंगा अभी अभी करना क्या है हमें। देखिए, ये जो डेट है ना, जिसे मैंने क्या सिलेक्ट किया था इस साल का लास्ट 30 डेज, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज करके 2022 का जो अगस्त मंथ है ना, ये जो टाइम है, इस टाइम में जो चल रहा था ना, वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद 2021 का सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे करके हम लोग साल के अलग अलग टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट चल रहा था वो सर्च कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे ना, वो प्रोडक्ट हो सकता है कि आज के टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रोडक्ट अभी करेंटली चल नहीं रहा हो, लेकिन पिछले साल इस प्रोडक्ट ने बहुत अच्छा सेल जनरेट किया था। तो जिस कारण से इस प्रोडक्ट को हम लोग अगर सेम पिछले क्रिएटिव के साथ टेस्ट करेंगे ना, तो फिर से वो रिजल्ट देना शुरू होगा। तो मैं एक बार स्क्रॉल डाउन करता हूँ, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारा स्क्रॉल डाउन करके कुछ प्रोडक्ट्स को निकाला है, और इसमें दिखाता हूँ मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखना है। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ऐसे इजीली तो मिलेंगे नहीं। तो मैं सबसे पहले एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो मैंने निकाला है, वो है ये। देखिए, अगर सिंपली आप देखोगे ना, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप बोलोगे ये तो बहुत ही सैचुरेटेड प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा ये प्रोडक्ट को सेल होते हुए देखा है। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें देखना है, और जो इस टूल के वजह से ही हमें पता चल रहा है। दिखाता हूं मैं आपको क्या चीज है। देखिए, सबसे पहले तो लाइक्स इतने ज्यादा है इसमें, और कमेंट्स भी अच्छे है, और इसमें देखिए ग्रोथ फेज में है अभी। अभी थोड़ा सा अभी वो कॉन्स्टेंट में चल रहा है लाइक्स, लेकिन ग्रोथ था अभी कुछ महीने पहले। उसके अलावा भी एक चीज दिखाता हूं मैं, और एक प्रोडक्ट मुझे मिला है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे ये वाला प्रोडक्ट सिमिलर कैटेगरी का प्रोडक्ट है, आपको दिखने में पता चल रहा होगा, वो क्या कहते हैं, बेल्ट टाइप का जो प्रोडक्ट होते हैं वो। तो इसमें देखिए, जो ये है ना, ये अभी करंटली ग्रोथ स्टेज में, मतलब ये प्रोडक्ट तो बहुत ही हमारा जितने भी टिक में मार्क होता है ना, उसमें टिक किया है, क्योंकि करंटली ये ग्रोथ फेज में चल रहा है। और एक चीज इसमें ये भी पता चल जाता है कि क्या ऑफर वगैरह लगा रहे हैं ये लोग, जो फेसबुक एड है ना वो, और फेसबुक एड में भी आप लोग जा सकते हैं। ये जो सी पोस्ट है ना, इसमें क्लिक करके फेसबुक एड में भी चले जा सकते हैं, देख सकते हैं कि फेसबुक एड में क्या चल रहा है अभी। उसके बाद मैं बताता हूँ अभी इंटरेस्टिंग चीज क्या है इन दोनों प्रोडक्ट में। दोनों प्रोडक्ट दिखने में सैचुरेटेड है, लेकिन अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि देखिए ऑडियंस कहाँ से आ रहा है ज्यादा, मेक्सिको से 78% आ रहा है। उसके बाद जैसे इस प्रोडक्ट में जाए, तो इस प्रोडक्ट में भी अगर आप देखोगे, अल्जीरिया से मैक्सिमम ऑडियंस आ रहा है, मतलब ये वर्ल्ड वाइड में ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सेल हो रहा है। तो हमारे दिमाग में हमेशा ये चलता है कि प्रोडक्ट तो चलता कहाँ पे है, यूएसए में, यूके में, लेकिन ऐसे वाले कंट्रीज में भी चल सकता है। तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि यार ये सब कंट्रीज प्रीपेड ऑर्डर करते हैं या नहीं। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या चलेंगे ना, इन प्रोडक्ट में चलते हैं। जैसे सी प्रोडक्ट में जैसे क्लिक करूंगा, ये जो प्रोडक्ट पेज है ना, वो ओपन हो जाएगा। सेम इस प्रोडक्ट के लिए भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सी प्रोडक्ट पेज में जाके, इनकी वेबसाइट में जाके, कि सच में कैश ऑन डिलीवरी चल रहा है इनमें या फिर प्रीपेड ऑर्डर करते हैं। तो थोड़ा सा मैं चेकआउट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी दोनों वेबसाइट में यहाँ पे प्रीपेड ऑर्डर ले रहे हैं इनके। इसमें पेपाल लगा हुआ है, स्ट्राइप लगा हुआ है, और लगा हुआ है एक जो इंस्टॉलमेंट में कालरा करके जो है, इंस्टॉलमेंट में जिसमें हम लोग पे कर सकते, मतलब तीनों में अच्छा खासा प्रीपेड ऑर्डर आ रहा है। और अगर हम लोग इनसाइट में जाए, तो तीनों प्रोडक्ट जो अलग अलग कंट्रीज है, थर्ड टायर कंट्रीज कह सकते हो आप, उनमें ज्यादा वायरल हो रहा है, उन्हीं से सेल आ रहा है। तो ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। कभी कभी प्रोडक्ट अच्छा होता है ना, जो सेचुरेटेड हो गया अभी यूएसए जैसे मार्केट्स में, वो प्रोडक्ट हो सकता है ऐसे अलग अलग कंट्रीज में ना बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो अभी और भी इनसाइट्स है जो हम लोग देख सकते हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये जो वेबसाइट का लिंक है, इसमें जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, क्या होगा, और एक पेज में चला जाएगा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, सेल्स वगैरह सब ट्रैक कर सकते हैं कि अभी करेंटली क्या सेल हो रहा है इन सब चीजों के बारे में, जैसे लाइव सेल्स डेटा जो है ना उसमें, उसके बाद शॉप एनालिटिक्स, ये सब चीजों में, और भी बहुत सारे यहाँ पे आता है। तो इसमें क्रेडिट वगैरह चाहिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी वेबसाइट्स हैं जो शॉपिफाई में होस्टेड है ना, उसमें बिना क्रेडिट से भी हम लोग सेल्स डाटा ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ना, ये शॉपिफाई बेस्ड नहीं है स्टोर, जिस कारण से यहाँ पे दिखा नहीं रहा सेल्स डाटा। लेकिन मैंने एक प्रोडक्ट का निकाल के रखा है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में आप देखो कि असलियत में सेल्स डाटा दिखने में होता कैसा है। देखिए यहाँ पे एक टोटल सेल दिखा रहा है, पर डे जो सेल आ रहा है वो दिखा रहा है। तो ये प्रोडक्ट भी अच्छा है, ये प्रोडक्ट भी अभी कांस्टेंट में चल रहा है, मतलब हर डे इसको नियर अबाउट, देखिए राइट साइड में अगर आप देख पा रहे हो, करीब 15,000 का 14,000 का सेल्स आ रहा है इस प्रोडक्ट में। तो ये भी एक विनिंग प्रोडक्ट ही मान सकते हो आप। तो इसमें जैसे कि जैसे हम लाइव सेल्स फीड जो है ना, उसमें जाएंगे तो कितने घंटे में, कितने मिनट्स में सेल आ रहा है वो भी हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 24 मिनट्स एगो, 14 मिनट्स एगो,
अभी सेल आया है 36 मिनट से को, तो मतलब कंटिन्यूस सेल आ रहा है, तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके जो एड्स वगैरह है वो चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से, कि देखिए टोटल एड्स 124 है, फेसबुक में 70 रनिंग है, टिकटॉक में 54 है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया टूल है, इसको अगर यूज़ करोगे ना इतने डिटेल्स मिलेंगे आपको, जो आपका जो विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने का जो तरीका है ना उसको पूरा बदल देगा। और बिल्कुल प्रोडक्ट्स आपको विनिंग प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे अगर ऐसे मैंने जैसे बताया उस स्ट्रेटेजी के साथ जाओगे तो। तो इस वेबसाइट का माइनिया का जो साइन अप लिंक है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अभी एक स्पेशल कूपन है इंजिन 20, जो अगर आप यूज करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा 3 मंथ्स के लिए। तो आप जरूर यूज करना, बहुत ही अच्छा टूल है। तो आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे ना उससे आप आसानी से आपका जितना भी अभी अगर लॉस में हो आप सारा सब कुछ रिकवर कर सकते हो सही स्ट्रेटेजी से आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो। तो अभी देखिए 3 प्रोडक्ट तो मिल गया। तो अभी मैं अगर होता तो मैं क्या करता, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा ब्रांड का प्रोडक्ट है और ये ज्यादातर यूएसए में ही सेल हो रहा है, अभी मैंने चेक किया था शॉप एनालिटिक्स में, ज्यादातर यूएसए में सेल हो रहा है, यूएसए में भी नहीं कनाडा में ज्यादा सेल हो रहा है अगर ऐसे देखे तो। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट्स मैंने निकाला था जैसे ये वाले प्रोडक्ट, मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स को अलग अलग कंट्रीज में, जैसे यूरोप के कुछ कंट्री हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, या फिर ये लोग ही जहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं मेक्सिको अल्जीरिया, ऐसे टाइप के कंट्रीज में भी टेस्ट करके एक बार चेक कर सकता हूँ कि सही में रिजल्ट आता है या नहीं। मेरे हिसाब से रिजल्ट बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैंने खुद स्वीडन और नॉर्वे में एक सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स को सेल करके रखा है पहले, और उसमें भी अच्छा खासा मुझे मतलब प्रॉफिट जनरेट हुआ था। तो यही था इस वीडियो में, आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, जो भी चीजें मैंने बताया उसके थ्रू अगर करोगे आप तो आराम से आपको विनिंग प्रोडक्ट वगैरह मिल जाएगा। तो अगर आपको ऐसे टाइप के वीडियोस चाहिए तो जरूर बने रहना चैनल के साथ, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना इस वीडियो को। और बस यही था इस वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।